Assalamu alaikum students, my name is SETH and I am going to teach you online with computers grade 4. हमने last lecture में हमने अपना 6th unit शुरू किया था जिसमें हमने पढ़ा था कि logo primitives क्या होते हैं. हमने कुछ basic primitives पढ़े थे जैसे कि forward, backward, left और right. आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम इसमें एक बहुत ही मजे की एक्टिविटी करने वाले हैं. चलिए लेक्चर की तरफ. जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के साथ जिसमें हम क्या करने वाले हैं, एक स्क्वायर ड्रॉ करने वाले हैं. यहां पर मैंने लिखा है ड्रॉ अ स्क्वायर यूजिंग द बेसिक प्रिमिटिव्स. बेसिक प्रिमिटिव्स क्या थे? फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट एंड राइट. इन चार प्रिमिटिव्स को यूज करते हुए हमने एक स्क्वायर बनाना है. यहां मैंने कुछ कमांड्स लिख दी हैं आप लोगों की आसानी के लिए. अब आगे हम देखेंगे कि हम इन कमांड्स को यूज करते हुए स्क्वायर कैसे बनाएंगे. जी, आपके पास स्क्रीन नजर आ रही है जिसके ऊपर ड्रॉ एरिया देख सकते हैं हम और कमांडर देख सकते हैं. हम लोगों ने कल बात की थी कि ड्रॉ एरिया क्या होता है, टर्टल क्या होता है और कमांडर क्या होता है. चलिए देखते हैं अब हम इस ड्रॉ एरिया पर स्क्वायर कैसे ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले हम कमांड लिखते हैं फॉरवर्ड 50 यानी के एफ डी 50. जी, तो ये आपका टर्टल को इसने मूव कर दिया है 50 स्टेप्स अपवर्ड. अगली कमांड देखें RT90. अब आपका टर्टल मूव कर गया है राइट एंगल पर 90 डिग्रीज के साथ. अगली कमांड लिखेंगे फॉरवर्ड 50. आप देख सकते हैं कि आपका टर्टल मूव कर गया है 50 स्टेप्स फॉरवर्ड. अब हमने इसे फिर से राइट मूव करना है ताकि हम अपना टर्टल डाउनवर्ड लेकर आ सकें. जी, अब हम कमांड लिखेंगे राइट 90 यानी के RT90. और आप देख सकते हैं कि आपके टर्टल ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया है. अब हम इसे फिर से 50 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करवाएंगे FD50. जी, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपका टर्टल 50 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव कर चुका है. अब हमारे पास सिर्फ एक लाइन रह गई है ड्रॉ करने वाली, वो हम अब कैसे करेंगे. सबसे पहले हम टर्टल की डायरेक्शन को चेंज करेंगे. अगेन हम करेंगे राइट डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे RT90 लिखकर. जी, तो आपका टर्टल अब डायरेक्शन चेंज कर चुका है. अब हम इसे 50 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करेंगे FD50. जी, FT50 कमांड लिखने से मेरा टर्टल जो है वो 50 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव कर चुका है और अब मेरे पास ये स्क्वायर बन गया है. लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी भी टर्टल नजर आ रहा है आपको. हम इसे हाइड भी कर सकते हैं. अब हम वो देखेंगे कि हमने कैसे करना है. उसके लिए आपको अगली कमांड देखनी पड़ेगी जिससे हम इस टर्टल को हाइड भी कर सकते हैं. जी स्टूडेंट्स, तो अगली कमांड है मेरे पास हाइड टर्टल. इट मेक्स द टर्टल डिसअपीयर फ्रॉम द स्क्रीन. जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपनी ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद टर्टल को हाइड भी कर सकते हैं. टर्टल को हाइड करने के लिए हम क्या कमांड यूज करते हैं? हाइड टर्टल, हाइड टर्टल या फिर HT. आप यहां देख सकते हैं कि मैंने जब HT कमांड लिखी तो मेरा टर्टल यहां से हाइड हो चुका है. लेकिन अब सवाल ये है कि अगर मैंने टर्टल को दोबारा स्क्रीन पर शो करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा. अब हम पढ़ेंगे अगली कमांड जो कि आपको ये बताती है कि आपने अपनी स्क्रीन पर टर्टल को रीअपियर कैसे करना है. आगे है हमारे पास शो टर्टल. इट मेक्स द टर्टल रीअपियर ऑन द स्क्रीन. जब हम कमांड लिखते हैं शो टर्टल या फिर ST तो ये हमारे टर्टल को दोबारा से स्क्रीन पर शो करवा देती है. आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब मैंने लिखा ST
तो आपका टाइटल स्क्रीन पर दोबारा शो हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप अपने टाइटल को कभी भी हाइड कर सकते हैं और कभी भी शो करवा सकते हैं। चलिए देखते हैं अगली कमांड क्या है। अगली कमांड है हमारे पास सेट हेडिंग्स। सेट हेडिंग यानी के SETH। इट टर्न्स द टर्टल्स हेड इन डायरेक्शन ऑफ गिवन एंगल। ये आपके टर्टल के हेड को आपके दिए हुए एंगल के मुताबिक टर्न कर देती है। मैं जानती हूं कि अब आपको राइट और लेफ्ट वाली कमांड याद आ रही है। जी बिल्कुल, उसी तरह जैसे कि राइट और लेफ्ट कमांड काम करती थी आपके टर्टल की डायरेक्शन को मूव कर देती थी, उसी तरह से सेट हेडिंग कमांड काम करती है और आपके टर्टल की डायरेक्शन को चेंज कर देती है। लेकिन इसमें भी फर्क है। अब वो फर्क क्या है वो देखते हैं। एंगल इज नॉट काउंटेड फ्रॉम द करंट पोजीशन बट फ्रॉम होम पोजीशन। जैसे कि राइट कमांड और लेफ्ट कमांड क्या करती थी, आपके टर्टल को राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर देती थी उसकी करंट पोजीशन से। लेकिन सेट हेड कमांड क्या करती है, आपके टर्टल को होम पोजीशन से उसकी डायरेक्शन को चेंज करती है। होम पोजीशन क्या होती है वो आपको अभी नहीं पता होगा। चलिए आप देखते हैं कि होम पोजीशन क्या होती है। जी स्टूडेंट्स, होम कमांड पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि होम पोजीशन होती क्या है। होम पोजीशन आपके टर्टल का बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट होता है और इसकी डायरेक्शन होती है अपवर्ड। अब देखते हैं कि होम कमांड किस तरह से काम करती है। होम कमांड ब्रिंग्स द टर्टल टू द स्टार्टिंग पॉइंट व्हिच इज सेंटर ऑफ द एरिया हेड पॉइंटिंग अपवर्ड्स। होम कमांड क्या करती है, आपका टर्टल ड्राइंग एरिया पर कहीं पर भी मौजूद हो उसको उठाकर बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर ले आएगी और बेशक उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो, लेकिन होम कमांड क्या करेगी, उसकी डायरेक्शन को अपवर्ड कर देगी। अगली कमांड है आपके पास पेन अप कमांड। जी स्टूडेंट्स, आपको नाम से ही अंदाजा हो जाएगा कि पेन अप क्या करेगा, आपके टर्टल के पेन को उठा देगा। जैसे आप लोग राइटिंग करते हैं तो आपका पेन जब तक आपकी नोटबुक के ऊपर नहीं होता आप नहीं लिख सकते, उसी तरह से जब हम टर्टल को पेन अप की कमांड देते हैं तो आपका टर्टल कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकता। अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। पेन अप कमांड टेल्स द टर्टल टू पिक इट्स पेन अप। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि पेन अप कमांड क्या करती है, आपके टर्टल को ये बताती है कि अब उसने अपना पेन उठाना है और कुछ भी ड्रॉ नहीं करना। एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहां पर लिखा पी यू और अब मेरे टर्टल ने अपना पेन उठा लिया है अपने ड्राइंग एरिया से। अब अगर मैं यहां लिखती हूं FD50, जी FD50 किया, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ कि आपका टर्टल तो मूव हुआ है, 50 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव हुआ है, लेकिन उसने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया है। जी तो इस तरह से काम करता है हमारा पेन अप। जो भी आप कमांड इसके बाद लिखेंगे आपका टर्टल मूव तो करेगा लेकिन कुछ भी ड्रॉ नहीं करेगा। जैसे कि पहले हमने स्क्वायर ड्रॉ किया था, तो आप जब कमांड देते हैं तो वो एज इट इज एग्जीक्यूट होती जाती है और आपकी ड्रॉइंग्स बनती जाती है। लेकिन जब आपने पेन अप कर दिया है तो आपकी ड्राइंग नहीं बनेगी लेकिन आपका टर्टल मूव जरूर करेगा। अब एक सवाल है कि हमने पेन पिकअप तो कर लिया लेकिन अब हमने पेन को पुट डाउन कैसे करना है। उसके लिए हमें देखनी पड़ेगी अगली कमांड जो कि है पेन डाउन। पेन डाउन टेल्स द टर्टल टू पुट डाउन इट्स पेन ऑन द ड्राइंग एरिया। हमने पेन अप की मदद से पेन उठाया और अपने टर्टल को मूव किया 50 स्टेप्स फॉरवर्ड, लेकिन कुछ भी ड्रॉ नहीं हुआ लेकिन आपका टर्टल मूव हुआ। अब हम करेंगे पेन डाउन। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं मैंने किया PD। अब इस कमांड के जरिए मेरे टर्टल ने क्या किया, अपना पेन ड्राइंग एरिया पर दोबारा रख दिया। अब मैं कोई भी कमांड लिखूंगी तो वो उसके मुताबिक मेरी ड्राइंग को बनाएगा।
चलिए कमांड लिखकर देखते हैं जी। तो मैंने लिखा FD20। जी स्टूडेंट्स, FD20 लिखने से हमारे टर्टल ने क्या किया, 20 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव किया और एक लाइन ड्रॉ की। जी स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है कि इन दो एग्जांपल्स की वजह से आप पेन अप और पेन डाउन को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। और आज हमने और भी कुछ कमांड्स पढ़ी, जैसे कि हाइड टर्टल, शो टर्टल, सेट हेडिंग और होम की कमांड पढ़ी। अब आपने करना ये है कि पिछले लेक्चर में जैसे मैंने आपको समझाया था कि आपने इस लैंग्वेज को डाउनलोड कर लेना है और उसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस करनी है, तो आज आपने क्या करना है, मैंने आपको स्क्वायर ड्रॉ करके दिखाया, आपकी अब ये एक्टिविटी है कि आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। और उसके अलावा आपने क्या करना है, अपने टर्टल को हाइड करके, शो करके, सेट हेडिंग करके, होम पे ले जाकर इन सब कमांड्स की प्रैक्टिस करनी है। तो जी स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।